जो बल्ब्स ऑर्डर किए थे ना, इनमें ये एक डिफरेंट निकला, बट उनके साथ जो भी चैट हुई उसमें उन्होंने कहा कि जो बल्ब मैंने आपको सेपरेटली इंडिविजुअल एक्स्ट्रा भेजे थे, हो सकता है उनमें ये किसी में हो, अदरवाइज़ जो अभी रिमेनिंग प्लांट्स हैं आप उनका वेट करो, उनमें वही 4 शेड निकलेंगे जो मैंने आपको पोस्ट किए थे। तो ये मेरे उम्मीद से हटके शेड निकला है, ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था और फिर ही मेरे पास था भी नहीं। तो चलो, 4 बल्ब ऑर्डर किए थे और मुझे 5 के शेड मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गार्डनिंग में ये भी एक अपना ही मज़ा है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वाकई अच्छा लगता है। अभी एक पार्सल आज रिसीव हुआ है, उसे नीचे चलकर देखते हैं। उसकी अनबॉक्सिंग ये है, ये जो है सिल्वर क्विल है और ये इसके जो थे ना वो बल्ब गीता सिंह जी से मैंने लिए। एक्चुअली उनके गार्डन के जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे ये उन्होंने मुझे दिए। तो था ये कि इनका सेल पोस्ट था, लेकिन जब तक मैंने इन्हें अप्रोच किया इनका ये जो था वो सेल आउट हो चुका था, वो मुझे और बल्ब्स थे। बाकी फिर इन्होंने जो भी कुछ छोटे छोटे इनके पास रिमेनिंग बल्ब्स रह गए थे उसके लिए इन्होंने बोला था, तो वो मुझे मतलब 100 और पोस्टल, ये दो चीज़ मुझे इसकी लगी और ये जो है उन्होंने मुझे दे दिया था। इसको स्वैप तो नहीं था ये, बट हाँ उन्होंने मुझे बल्ब के साथ ना दो चीज़ें और एक्स्ट्रा दी हैं, तो वो मैं वैसे भी खुश हो गई। इनके पास भी एम्ब्रस लिली का ना कुछ कलेक्शन है, तो हो सकता है फ्यूचर में हम लोग स्वैप कर ले या फिर परचेस कर ले, डिपेंड करता है यार, अगर मेरे पास कुछ डिफरेंट शेड हुआ और उनके पास कुछ अलग हुआ तो हो सकता है हम स्वैप कर लें, और अगर मेरे पास उनके किसी भी एम्ब्रस लिली के अकॉर्डिंग देने के लिए कुछ नहीं हुआ तो होपफुली मैं बाय करना ज़्यादा पसंद करूँगी फिर, लेकिन मैं उसे ऐसे छोड़ूंगी नहीं। ये बल्ब्स हैं सिल्वर क्विल के, जिन जिन के पास ये प्लांट होगा उन्होंने देखा होगा, बल्बस प्लांट है, बल्ब से तो मल्टीप्लाई होता ही होता है, उसके साथ साथ ये लीव से भी इजीली प्रोपागेट होता है और फ्लावरिंग स्टॉक भी इसमें आती है, बल्ब वाला प्लांट है तो, बट ऑब्वियस इसको जो वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है कम है। ये दो मुझे प्लांट पर्सलेन है या पॉटजलाका, इसकी भी कटिंग्स मिली हैं, और एक ये है डोनट कैक्टस जैसा ही है। अब देखो इसकी फ्लावरिंग क्या है वो तो उन्होंने बताया नहीं, इसका एक स्टेम मुझे एक्स्ट्रा मिला है। और सिल्वर क्विल आई थिंक उन्होंने मुझे दो वैरायटीज़ के लिए हैं, 4 बल्ब अलग हैं और ये 7-8 जो बल्ब हैं ये डिफरेंट हैं, तो जब ये प्रोपोगेट होंगे तभी दिखाऊंगी, अभी तो जो मुझे मिला है वो ही मैं इसमें शो कर रही हूँ। इन्हें जल्दी ही डाल दूँगी, बहुत जल्दी ही अपनी स्पीड पकड़ते हैं, मतलब फास्ट ग्रोइंग आप इसको मान सकते हो, ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा बॉटनिकल की तरफ नहीं अगर हम जाते तो। प्लांट काफ़ी मज़ेदार है, इतना मल्टीप्लाई होता है ना, कमाल का मल्टीप्लाई होता है, और हाई मेंटेन प्लांट भी नहीं है, बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट मैं नहीं मानती इसको है, बिकॉज़ ये वाला प्लांट ना, ये देखो बल्ब के अंदर ही ना मिनी बल्ब भी आ रहा है और प्रोपागेशन स्टार्ट है इसमें, इसी के ह्यूज साइज बल्ब थे, तो 4 बल्ब उन्होंने 100 बना ले थे बट वो उनके सेल हो चुके थे। देखो इनमें शूट्स भी निकल रहे हैं, तो अगर आप इसे किसी लैंड में या कहीं पर भी खाली जगह पे ज़मीन में भी लगा देंगे ना, तो ये इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं कि आप देते देते थक जाओगे, जस्ट लाइक सैकुलेंट्स वगैरह, मदर ऑफ थाउजेंड ये फैलते हैं, ये भी उसी तरीके से इनकी प्रोपगेशन है, काफ़ी अच्छे हैं। और जो है वरिंद की भी वैराइटीज़ हैं और एम्ब्रेस लिली भी हैं, मतलब प्लांट्स बहुत सारे हैं, ये आए दिन अपना पोस्ट डालती रहती हैं, अगर आप इनसे कुछ लेना चाहते हैं वही मिलेंगे, एम्ब्रेस लिली या फिर कुछ भी बल्बस प्लांट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं उसमें डाल दूँगी। अभी चीज और ऑरेंज कलर के इनसे मैंने एम्ब्रेस लिली के बल्ब भी जो है वो बाय किए हैं, तो 20 या 30 अराउंड है वो बल्ब्स, तो वो भी जब मुझे रिसीव होंगे तो मैं जल्दी ही बताऊँगी आपको। ये बल्ब ये देखिए, ये 4 सेपरेट हैं, ये कौन से हैं, ये उसी की दूसरी वैरायटी है कुल की, तो दोनों ही जब ये अच्छे से प्रोपगेट होंगे, इनके लीव्स प्रॉपर निकल कर आएंगे, तो मैं आपको दोनों ही शो करूँगी। और एक ये था जिसे आप देख लो अच्छी तरह, बिकॉज इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें अभी है ना कौन सा फ्लारिंग वगैरह कुछ होगा, उन्होंने भी इसका मुझे कुछ आइडिया दिया नहीं, पर देखते हैं। दी मुझे प्लांट जो है ऐसा गिफ्ट मिला है, मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, मुझे जब भी प्लांट कोई भी परचेज के साथ फ्री आता है, कुछ अच्छा गिफ्ट आता है, एज ए खुश होकर अगर वो देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो गिफ्ट प्लांट आता है वो ऑलरेडी मेरे पास हो, क्योंकि वो भी एक एक्सेस ही है,
एक एक्सेस प्लान मुझे मिल जाता है तो मैं उसको लेके बहुत ही खुश हो जाती हूँ। इसमें बहुत टीनी टीनी से बल्ब्स भी हैं बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे बिकॉज वो भी मेरे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। एक बल्ब इसमें एज अ मदर बल्ब की तरह है बिकॉज जब बल्ब में दूसरे शूट निकलने शुरू होते हैं तो आप उसे मदर बल्ब कह सकते हो। बाकी आप मैं आपको दिखाई दी हूँ कि कैसे हैं ये बल्ब की जो परचेजिंग है आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, यही बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मेरे साथ बने रहिए, प्लांटिंग करते रहिए। मैं जो भी प्लांट खरीद रही हूँ जो सेलर अच्छे हैं उनका रिव्यू अच्छा ही दूंगी, पेमेंट हर जगह हो ही रही है। और जो सेलर से चीज़ अच्छी नहीं आ रही तो वो भी मैं डेफिनेटली बताऊँगी अपने हर वीडियो में ताकि आप अवेयर रहें। कभी आपका इनसे टकराना हो तो एटलीस्ट आप ये तो है कि आप उससे को बारे में आपको ये पता है कि आपको बाय करना है कि नहीं करना। तो इतनी सी ही सेफ्टी ऑनलाइन परचेज़ में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो वही हम आगे अपने और वीडियोज़ में भी देखेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड।